हेलो एवरीवन, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बिजनेसमैन, सर्विसमैन, व्हाटएवर जो भी है तो भी करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आप जानेंगे करंट अफेयर के बारे में, देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है, आप देख रहे हैं लोकेश का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गियस को हराकर चीन ओपन 2017 का खिताब जीता है। विजया बैंक ने भीम एप्लीकेशन और यूपीआई से डिजिटल भुगतान के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस हैज अक्वायर्ड फ्रीचार्ज। देश की तीसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र बैंक एक्सिस ने फ्री रिचार्ज का अधिग्रहण किया है। कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश को इस साल मरणोपरांत एन्ना पोलितकोवस्काया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय होंगी। यह पुरस्कार लंदन की संस्था राइन वार द्वारा दिया जाएगा। गंगा प्रसाद ने मेघालय के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, वहीं बनवारीलाल पुरोहित ने तमिलनाडु के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। फोर्ब्स की वार्षिक सूची एनडीआरएफ लिस्ट 2017 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अजीम प्रेमजी $19 अरब के नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर है। पूजा कादन बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन स्पोर्ट पर्सन विन गोल्ड मेडल एट वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप। पूजा कादन वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। आरबीआई ने अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के सभी नीतिगत दरों पर अपरिवर्तित रखा है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि को अनुमान घटाकर 6.7% कर दिया है। करंट पॉलिसी रेपो रेट 6.0%, रिजर्व रेपो रेट 5.75, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25, बैंक रेट 6.25, एसएलआर 19.5 एंड एसएलआर को 50,000 अंकों से घटाकर 19.5 कर दिया है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने उस आईबीपी स्ट्रेंथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने के लिए प्रयास करते हैं। इस समझौते पर विदेश मंत्री वीके सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। आईबीपीएस ट्रस्ट फंड अन्य विकासशील देशों में गरीबी से निपटने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे 3 उभरती अर्थव्यवस्था में साथ लाया है। प्रत्येक देश इस फंड में सालाना $1 मिलियन का योगदान देता है, जिसका प्रबंधन दक्षिण अफ्रीका के सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास की विशेष इकाई द्वारा किया जाता है। असम राज्य मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति शुरू की है। असम की पर्यटन नीति 2017, इसका मुख्य उद्देश्य असम में फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित देने के लिए एक फिल्म बनाने का स्थान बनाकर राज्य में आने के लिए तैयार किया। नई नीति 2018 से दिसंबर 2022 तक प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल पर मासिक शुल्क समाप्त कर दिया है और कॉल दरें 1 रुपये प्रति मिनट कर दी है। रक्षा और अर्धसैनिक बलों की कर्मी अपने परिवार और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके 1 रुपये प्रति मिनट की दर से कॉल कर सकेंगे। अब सेवा का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई डीएसपीटी सेवा विभिन्न क्षेत्रों में तैनात सैनिकों, अधिकारियों और दूरदराज के इलाकों में तैनात पैरा सैन्य इकाइयों द्वारा उपयोग की जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में संचार के अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ऑनलाइन चैट की शुरुआत की, ताकि वे अपने क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सके। यह सुविधा विभाग की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट.com के प्रमुख पेज पर दी गई, जिसमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख आइकन लाइव चैट अवेलेबल होगा। यह एक व्यक्ति एक ईमेल आईडी प्रस्तुत करके गेस्ट के रूप में प्रश्न पूछकर चैट रूम में एंट्री कर सकता है। करदाता के सामने प्रश्नों को उत्तर देने के लिए स्वतंत्र कर विशेषज्ञ की टीम को नियुक्त किया गया है। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।